मधुपुर के राजा बेटा स्थित केंद्रीय विद्यालय में मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्राचार्य मनीष कुमार प्रभात ने सदस्यों को मुख्य बिंदुओं से अवगत कराया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के शैक्षणिक समेत वित्तीय मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के महत्व भागीदारी पर चर्चा हुई। सत्र 2022-23 में विद्यालय के विकास हेतु सामानों की खरीदारी, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य की भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा किया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य और स्थानीय समुदाय के प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा विशेष कक्षाएं एवं सभाएं आयोजन कर निश्चय किया गया। विद्यालय में नवाचार और नई शिक्षा नीति के सम्यक कार्य हेतु विशेष प्रयास किए जाने पर बल दिया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा भी समिति के सदस्यों और मीडिया के समक्ष प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बारे में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के बारे में जानकारी साझा की। इसके अलावा विद्यालय जाने वाली सड़कों की समस्याओं को लेकर चर्चा करते हुए अविलंब सड़क बनवाने की बात कही। मौके पर महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्लस टू विद्यालय के प्राचार्य मदन मोहन मिश्रा, अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, पॉलिटेक्निक कॉलेज के उप प्राचार्य राजेश रंजन सिन्हा, श्यामली दास, रामचंद्र झा, राजेश राम आदि मुख्य रूप से बैठक में उपस्थित थे।